ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरकाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, दो बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई सांठगांठ रही हो?